सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल हियर आई एम रिया ठाकुर. मेरा वॉइस बहुत खराब आ रहा है. सो गाइज आई एम हियर टू अपडेट यू गाइज दैट आई एम लिविंग फॉर दिल्ली जस्ट इन सम टाइम्स बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन प्लान था और मुझे एक काम भी है और मैं अपनी नानी को भी लेने जा रही हूँ दिल्ली और मैं कल ही वापस आने वाली. तो मैंने सोचा एक दिन का ब्लॉग कर ही लेते, देखते क्या क्या होता है हमारे साथ दिल्ली में, बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और सडन मुझे जाना पड़ रहा है, मैं कल ही वापस आ जाऊंगी. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. और बाकी चीजें ऑन द वे बताते रहूंगी कि क्या क्या सीन है, मैं क्यों जा रही हूँ क्या या नहीं. सो अभी फिलहाल मुझे अपना बैग में सिर्फ एक कपड़े लेने, बस एक. मम्मी वार्निंग देके गई जल्दी जल्दी पैकिंग करो बिकॉज टाइम हो चुका. सो गाइस आई एम आउट, मैं बिल्डिंग से नीचे जा रही हूँ, मेरी कैब आ चुकी है. सो या लेट्स गो. सो बेसिकली आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन क्योंकि मैं हमेशा अकेले ट्रैवलिंग कर रहा हूँ. अभी 3-4 सालों से तो इतना गंदा अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ ना, पता ही नहीं चल रहा कब कहाँ रहती हूँ मैं. सो बेसिकली मैं कुछ काम से जा रही थी और मेरी नानी को भी मुझे दिल्ली से पिक करना था, तो मैं बस एक ही दिन के लिए दिल्ली जा रही थी. सो येस, मतलब मुझे अकेले ट्रैवल करना अच्छा लगता है बट हमेशा नहीं. मैं काफ़ी लेट चल रही थी, लाइक मेरे को जाना 12 बजे था, मैं 10 बजे टिकट बुक कर रही थी, ऐसा सिचुएशन था. टाइम में डिफरेंस था, मेरे को फुल टेंशन था कि मैं पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी एयरपोर्ट पे टाइम पे, ये वो बहुत दिमाग चल रहा था. एग्जैक्टली फिर मेरे को भैया ने एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा दिया. फिर भी मैं लेट थी, काफ़ी लेट थी, बट थैंक्स टू दैट ओला वाले भैया यार, सीरियसली मैं मतलब इतनी नर्वस थी ना, पता नहीं मैं पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, बट उनको मैंने बताया कि मुझे किसी भी हालत में जाना है. सो मेरे को उन्होंने पहुंचा. लुक एट माय रिएक्शंस, क्योंकि मैं बहुत टेंशन मतलब टेंशन में थी कि मैं पहुंचूंगी भी या नहीं. गाइस आई एम एट, मेरा चेकिंग एंड ऑल सब कुछ हो चुका है. आई एम रशिंग टू द गेट. इट्स ऑलरेडी 3:05 हो चुका है, 3:15 से बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है. आई एम सो लेट एंड लेट्स सी, खुराफती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट. सो या आई एम रशिंग. सो मिलते हैं, गेट पे पहुंच के मिलती हूँ गाइस तुम सबसे. बाय. I was all alone basically. मेरे को पता नहीं था, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ. इंसान खा पी के भी कितना ही खाएगा फ्लाइट में, और अकेले इंसान क्या ही करेगा. मेरे को एक तो मतलब मैं ना किसी से ही बात कर सकती हूँ, बट मेरे बाजू वाला सो रहा था, लिटरली सो रहा था, मतलब वो टायर्ड है. मैंने मतलब नॉर्मली उनसे बात की थी, वो इंडियन आर्मी में थे, सो मतलब फिर वो सो गए थे, जाग रहे थे सो रहे थे, तो मेरा उनसे इतना मतलब इंटरेक्ट नहीं हुआ, बट मैंने उनसे बहुत बातें की.
सो बेसिकली मैं भी बहुत बोर हो रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती फ़्लाइट में। बाकियों को कैसे नींद आ जाती है आई डोंट नो, मेरे मॉम डैड को भी नींद आती मेरे अलावा, लाइक एवरीवन वाज स्लीपिंग मेरे आसपास। बट फिर हम तो अपना बुक और नज़ारा इंजॉय करते करते ही जा रहे थे। देन हियर वी रीच टू द दिल्ली, आई वाज सो हैप्पी टू गो दिल्ली, मतलब मेरी इच्छा थी जाने की बट मैं काम से गई थी सो फिर कुछ कर नहीं पाए हम लोग ने। तो जितना भी एक ही दिन का था टाइम मेरे पास, अब मैं वापस जाऊँगी। एयरपोर्ट से घर ऑलमोस्ट 1 आवर दूरी पे था, ट्रैफिक एंड ऑल पकड़ के, और रात का टाइम था तो ऑफकोर्स ट्रैफिक बहुत था। बट येस, यहाँ पे मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी तो पहले थोड़ा अनसेफ लग रहा था बट फिर सेफ लग रहा था क्योंकि मतलब कॉल पे सब लोग थे ही और मैंने सबको लोकेशन शेयर कर दिया था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो सो इसीलिए। बाकी एवरीथिंग वाज कूल, आई लव द लाइक वाइब वहाँ का। सो गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे, कल मैं बहुत टायर्ड हो गई तो मैं आपको सो गई, सो इट्स अ नेक्स्ट डे। अभी लेट्स सी क्या क्या करते और फिर शाम को वापस से घर जाना है हमें। जो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम था वो तो ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी नानी को पिकअप करना है और फिर हमें चलना है अपने घर। सो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं और फिर कल जाएंगे हम घर, सॉरी आज जाएंगे हम घर। सो फिलहाल तो मैं अभी सो के उठूँ, लेट्स ब्रश आवर टीथ और फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं हम क्या क्या करते हैं आज और फिर शाम को जाएंगे। मुझे और एक्सप्लोर करना था दिल्ली बट वो पॉसिबल, मैं यहाँ पे कुछ काम से आई थी इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर बहुत जल्दी आऊँगी। गाइस हियर इज माय ब्रेकफास्ट, তুমি এতে কথা বলো একটুখানি। হ্যালো, ট্রাইং টু ব্লগিং লাইক মি। She is getting happy by blogging. She is trying to copy me. Look at her. Hello? Hello, Acho? मतलब सब लोग को दिल्ली के वेदर से बहुत प्रॉब्लम होती है बट जब मैं गई थी द वेदर वॉज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, मज़ा तो बहुत आया। एंड यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है जो कि है समथिंग समथिंग, सो या सो वी वर गोइंग बैक टू बॉम्बे मतलब घर। सो द मेन थिंग इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एक्चुअली हम लोग दोपहर को निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए बट द ड्राइवर वॉज सो रूड, लाइक अनबिलीवेबल रोड था बंदा जो भी थे वो। तो लाइक हमारे एयरपोर्ट्स मतलब गाड़ी वो स्पीड तेज़ चलाने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि हमें एयरपोर्ट पहुंचना था किसी भी हालत में। और ट्रस्ट मी गाइस, दिल्ली की जैम, ट्रैफिक जैम इज़ हेडेक। हमारी फ़्लाइट में सो चुकी थी ऑलमोस्ट क्योंकि हम लोग जैम में ऑलमोस्ट 2 घंटे से खड़े थे, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। माय मेन थिंग वाज भाई मेरी फ़्लाइट मिस हो रही है जल्दी चलो, बट इनके ब्रेकअप सॉन्ग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। बट एक चीज़ है कि मुंबई में ऐसा कुछ होता है तो हमें मतलब ड्राइवर बहुत सपोर्टिव मिलते हैं बट दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, दिल्ली बहुत डेंजरस जगह है मतलब इस वे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा हम दोपहर को निकले थे, मेरे फिंगर क्रॉस थे कि भाई फ़्लाइट ना मिस हो बट अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट मिस हो गई। हम लोग दोपहर को निकले थे, शाम तक हम ट्रैफिक में थे, हमें किसी ने बताया अपडेट नहीं किया था कि ट्रैफिक बहुत होने वाली है। हमें लगा था कि संडे है तो ट्रैफिक नहीं होगा बट ट्रैफिक वॉज सो बैड, आई वॉज सो सैड कि मतलब काम के वक्त दिमाग नहीं चलता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, हमने बोला चल ठीक है छोड़ बटा। आफ्टर मिसिंग द फ्लाइट मतलब उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो इम्पॉर्टेंट थी, लुक एट हर फेस, शी वाज सो हैप्पी लाइक उनका फर्स्ट टाइम था फ्लाइट में। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उनको भी होल्ड करके लेके आना था, चलना था। सो या फिर हमने मतलब बहुत भूख लगी थी, हम दोपहर से बाहर थे, कुछ खाया पिया था, टेंशन इतना
था कि पूछो ही मत कि फ़्लाइट मिस हो जाएगी फ़्लाइट में, बट हो गई अनफॉर्चुनेटली। फिर हमने बर्गर खाया क्योंकि बहुत भूख लगी थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी मैं ब्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाए, बट उनकी खुशी आप देख ही सकते हो। शी वॉज सो हैप्पी टू ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो पूरा मतलब टेंशन वहीं चला गया उनको खुश देख के। सो यस, यहाँ मम्मी नानी को मोटिवेट करते हुए वीडियो कॉल पे कि कुछ नहीं होगा, आप उसको पकड़ के बैठना, ये वो चालू था हमारा। और ये स्क्रीनशॉट देख के मम्मी मुझे बहुत चिल्लाने वाले हैं, गाइस प्लीज़ बचा लेना। सो या एक्चुअली मेरा मेन मोटिव था कि मैं उनको मतलब डे लाइट में लेके जाऊँ ताकि वो व्यू इन्जॉय कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डे फ्लाइट मिस हो गया था, फिर मुझे नाइट की फ़्लाइट बुक करनी पड़ी थी रात को, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था। बट शी वॉज सो हैप्पी, दैट्स वॉट मेन मोटिव फॉर मी फॉर अस। और फिर रात को हम लोग 3 बजे घर पहुँचे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज इन्जॉय। प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब चल रही है बिकॉज मुझे सर्दी हो गई है, सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। आई लव यू ऑल, लव यू लॉट।